राजस्थान के अभयारण्यों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए हैं आज हम इस सेशन में लेके आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर एक, वन विहार नामक अभयारण्य राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलपुर में। वन विहार अभयारण्य राजस्थान में धौलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। वन विहार अभयारण्य धौलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर धौलपुर मुंबई मार्ग पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 25.60 वर्ग किलोमीटर। साइबेरियन सारसों का दूसरा आश्रय स्थल है वन विहार अभयारण्य। स्लोथ वियर सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है वन विहार अभ्यारण को। क्वेश्चन नंबर दो, जलचरों की बस्ती के उपनाम से किस अभ्यारण को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयसमंद को। जलचरों की बस्ती के उपनाम से जयसमंद अभ्यारण को जाना जाता है। जयसमंद अभ्यारण उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1955 में की गई, जिसका कुल क्षेत्रफल है 53.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जयसमंद अभ्यारण। जयसमंद अभ्यारण के नाम से ही जयसमंद झील भी है, जिसे डेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील के आसपास जंगलों को जयसमंद अभ्यारण के रूप में घोषणा की गई थी। यह अभ्यारण बघेरों व बिहोर पक्षी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर तीन, सांपों की शरण स्थली किस अभ्यारण को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरगढ़ अभ्यारण। सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण को माना जाता है, जो राजस्थान के 12 जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1983 में की गई, जिसका कुल क्षेत्रफल है 81.67 वर्ग किलोमीटर। करौंदे व चिरौंजी के वृक्ष पाए जाते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में। एक अन्य अभ्यारण्य है भैंसरोड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में चंबल और वामनी नदियों के आसपास का क्षेत्र है, जिसकी स्थापना अभ्यारण की घोषणा सन 1983 में की गई थी। कुल क्षेत्रफल है 201.40 वर्ग किलोमीटर के लगभग, जिसका उपनाम है घड़ियालों की पसंद स्थली। भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण को घड़ियालों की पसंद स्थली कहा जाता है। मानदेसरा का पठार भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, मेहंदी नामक बांध का निर्माण किस अभ्यारण्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुलवारी की नाल में। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले में स्थित है, जिसमें मेहंदी नामक एक बांध बनाया गया है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य की घोषणा सन 1983 में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 511 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। फुलवारी के नाल अभ्यारण की विशेषताएं हैं, वर्ष भर फूलों से ढका हुआ रहने के कारण फुलवारी कहलाया। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है अभ्यारण में मानसिर वाकल नदियों का उद्गम है। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क बनाया गया है फुलवारी की नाल अभ्यारण में। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहर सागर में। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान जवाहर सागर अभ्यारण्य में बनाया गया। कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध किनारे का क्षेत्र जवाहर सागर अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, जिसकी घोषणा 1975 में की गई थी। इसकी विशेषताएँ, सर्वाधिक मगरमच्छ जवाहर सागर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। रामचरण मीना ऐसा व्यक्ति रहा जिसने देसी स्टीव इरविन नाम से भी जाना जाता है, जिसका कार्य था नंगे हाथों से मगरमच्छ पकड़ने की महारत हासिल थी रामचरण मीना की। रामचरण मीना का संबंध जवाहर सागर अभ्यारण्य से है। एक अन्य अभ्यारण्य है केला देवी अभ्यारण्य, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंबोर अभ्यारण्य का ही एक भाग है केला देवी अभ्यारण्य।
स्थापना 1983 में। डॉगलैंड नाम से प्रसिद्ध है केला देवी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पाइथन यानी अजगर की शरण स्थली कौन सा अभ्यारण है? पाइथन अजगर की शरण स्थली कौन सा अभ्यारण कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण को पाइथन अजगर की शरण स्थली कहा जाता है जो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण स्थापना सन 1982 में। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 303 वर्ग किलोमीटर के लगभग है रामगढ़ विषधारी का क्षेत्रफल। विशेषताओं की बात करें तो मेज नदी अभ्यारण्य सर से होकर गुजरती है। यहाँ रामगढ़ महल भी स्थित हैं इसके किनारे। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। संथाल सागर एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी स्थित है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। सातवां क्वेश्चन है बंद भारेठा यानी बंद भारेठा नामक अभ्यारण राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भरतपुर में। बंद भारेठा नामक अभ्यारण भरतपुर जिले में स्थित है। स्थापना हुई थी सन 1985 में। क्षेत्रफल है 199 वर्ग किलोमीटर के लगभग। विशेषताओं की बात करें तो जरखों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है बंद भारेठा अभ्यारण। परिंदों का घर कहा जाता है और भारेठा झील भी स्थित है बंद भारेठा अभ्यारण में। एक अन्य अभ्यारण है केसर बाग अभ्यारण जो राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है बांडी नामक स्थान के आसपास। धौलपुर शासक उदयवान सिंह का निवास स्थान था केसर बाग। वर्तमान में एक मिलिट्री स्कूल है। कुल क्षेत्रफल लगभग 15 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। आठवां क्वेश्चन है चीतलों की चहल पहल उपनाम से किस अभ्यारण को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बस्सी अभ्यारण को। बस्सी अभ्यारण को चीतलों की चहल पहल नाम से जाना जाता है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कुल क्षेत्रफल है लगभग 138 वर्ग किलोमीटर के आसपास। वामनी प्लस ओराई नदियां गुजरती हैं बस्सी अभ्यारण से। उदबिलाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है बस्सी अभ्यारण। एक अन्य अभ्यारण है सज्जनगढ़ अभ्यारण जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। मेवाड़ के शासकों का शिकारगाह था सज्जनगढ़ अभ्यारण। सज्जनगढ़ अभ्यारण में ही सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। बांसधरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान भी है सज्जनगढ़ अभ्यारण। बड़े आकार के गुलाब के फूल पाए जाते हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण में। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।